नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 48,048 की और बैंक निफ्टी ने लास्ट डे से 151 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने यहां पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी, उस शूटिंग स्टार कैंडल से कंटिन्यू नीचे की साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 से 8 दिन हम कंटिन्यू नीचे की साइड में गए और हमने सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसी ट्रेंड लाइन के पास हमने जाके सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद उसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे टाइम बिता रहे, कंसोलिडेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम अगर डेली चार्ट में देख रहे हैं तो यहां पे नजर बना के रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 48,222 के ऊपर की क्लोजिंग। जब बैंक निफ्टी देखिए, छोटे छोटे टारगेट अभी पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट इलेक्शन पे रिएक्ट करेगा, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेगा, तो यहां पे नजर बना के आप लोग रखिएगा कि 48,222 ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे, डेली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे ही रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी निकालता है तो फिर बैंक निफ्टी जाएगा 48,555, ये इसका नेक्स्ट मूव होगा और उसके बाद 48,888 ये नेक्स्ट मूव होगा। लेकिन नज़र बना के रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो, कंसोलिडेशन का मतलब है कि अगर वापस कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर की साइड में निकला तो जो ये दो ऊपर की साइड में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे वो ये दोनों एरिया है, और यहाँ से अगर कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड में निकलता है तो मूव यहाँ पे आपको फास्ट मूव देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इसी जगह पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे हैं, 4 बार 5 बार हमने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। जब हम इसके नीचे निकलेंगे तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आते हुए आपको दिखेगा और बैंक निफ्टी जो ये वाला मूव होगा ना, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हम नीचे क्लोज करेंगे उसके बाद से ये जो 46,400 वाला मूव होगा ये मूव बहुत फास्ट होगा, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में जो भी पोजिशन बनाइएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में बनाइएगा। ऊपर की साइड की जो मूवमेंट होगी यहाँ से निकलता है तो धीरे धीरे करके अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस 555 और उसके बाद 888 के पास जाएगा, लेकिन नीचे वाला जब भी ब्रेक होगा तो यहां पर नजर रखिएगा क्योंकि ये मूव मेरे ख्याल से फास्ट मूव होगा बैंक निफ्टी के लिए 46,400 तक। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा डेली चार्ट पे। और यहां पे देखेंगे तो आज एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और यहां पे एक ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। ये क्या है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट मूव यही होगा 44,444 का। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी, और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये हमारी ट्रेंड लाइन यहीं पर आ रही, और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड फ्लैग। दोस्तों, अब मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज में है, एक रेंज में है। ऊपर की साइड की जो रेंज है कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 48,222 का। और नीचे की साइड में देखेंगे तो ये एक रेंज बनी है, तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है कल के सेशन में, क्योंकि हम कंटिन्यू 3 दिन से इस रेंज के ऊपर साइड में जा रहे हैं लेकिन वापस हम नीचे की साइड में आते हैं। आज भी हमने यहाँ पर कोशिश की लेकिन वापस हम नीचे की साइड में यहाँ पर आके हमने क्लोजिंग दी है। तो अगर बैंक निफ्टी कहीं पर इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कल के ये एक फ्राइडे की बाइंग, फिर यहाँ पे शनिवार की बाइंग, फिर आज यहाँ पे ट्यूजडे की बाइंग, जो भी बाइंग पोजीशन बनी होगी ना उस पोजीशन का यहाँ पे क्या होगा, एसएल होगा, लोगों ने यहाँ पे एसएल लगा के रखा होगा। तो मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो बैंक निफ्टी घूमते घूमते कहाँ पर आएगा, फर्स्ट मूव भी बैंक निफ्टी देगा वो देगा यहाँ पे 666 का। ध्यान रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसे इसके नीचे ये ट्रेड करेगा पहला मूव वो देगा कहाँ पे, ये जो ये लो दिख रहा है आपको फ्राइडे का लो, ये इसके लिए होगा 47,822 के आसपास। अगर इस रेंज को भी ब्रेक करता है तो फिर वो इस रेंज के आसपास तक आ सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में जाता है तो ये रेंज वापस रजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक ये इसके ऊपर कंटिन्यू टिकेगा नहीं तब तक यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं होंगे, बायर तभी एक्टिव होंगे जब ये इसके ऊपर कंटिन्यू यहाँ पर टिकने लगेगा, तो यहाँ पे बायर भी एक्टिव होंगे और जिन लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई होगी वो लोग भी यहाँ पे पोजीशन छोड़ेंगे, यानी पोजीशन को वो कवर करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे की साइड में आएगा तो जिन लोगों ने बाइंग किया होगा वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे यहाँ पे और नई सेल की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। तो मार्केट इस रेंज में, यानी देखेंगे तो चैनल के अंदर में 15 मिनट के चार्ट पे ये चैनल के अंदर फंसा हुआ है। कल अगर इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता है, कुछ टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड में आता है तो फर्स्ट सपोर्ट जो होगा वो 800 के आसपास होगा और सेकेंड सपोर्ट जो होगा वो 47,600 के आसपास में हो सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ये रेंज होता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर वो इस रेंज के पास आने की कोशिश यहाँ पे बैंक निफ्टी करेगा। इसी जोन में ओपन होने के बाद ऊपर जाता है तो वहाँ पे फिर से आप देखेंगे, शायद यहाँ पे फिर से आप मार्केट अगर कुछ टाइम बिताया, जैसे यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताया,
बिताया हुआ है, यहाँ पे टाइम बिताया, तो टाइम बिताने के बाद जो रेंज बनेगी उस रेंज को आप देख सकते हैं। उस रेंज में अगर ऊपर निकलेगा तो मार्केट में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, और अगर नीचे की साइड में निकलता है तो वापस फिर से ये 48,000 वाली रेंज को आके टेस्ट कर सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।